आभारी हूँ कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस टीम जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी आए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी में जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या सियासी या क्या गैर सियासी, तो सभी जम्मू कश्मीर के वासियों को नज़र है। सबसे बड़ी अगर बात करें तो परिसमन आयोग पे, डिलिमिटेशन कमीशन पर, कि जो अपनी वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं और अभी शायद अगले हफ्ते उनकी अगली मीटिंग भी आएगी और हमें बड़ी उम्मीदें हैं डिलिमिटेशन कमीशन से, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पिछले 70-75 सालों में जो भेदभाव जम्मू खित्ते के लोगों ने झेला है और जो इनजस्टिस जम्मू खित्ते के साथ हुआ है, ये परिसमन आयोग जो अपनी फाइंडिंग्स देगा उसमें जो है कम से कम जो ये पॉलिटिकल इनजस्टिस जो हुआ है पिछले 70-75 सालों में, वो कहीं ना कहीं उसका खात्मा होगा। और इसी उम्मीद के साथ ही हमारा ये मानना है कि चाहे जितने भी पैरामीटर्स डिलिमिटेशन कमीशन ने सेट किए हुए हैं, सभी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हमारे वॉलंटियर्स ने भी स्टडी किया है, जम्मू रीजन जो है वो डिज़र्व करता है कश्मीर घाटी से ज़्यादा सीटें। और इसमें कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि ये जम्मू जो हम आज बात कर रहे हैं डिज़र्व करता है सबसे ज़्यादा असेंबली हलका में सीटें और पार्लियामेंट्री हलका में। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें पिछले 75 साल से ही हम ये कह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि जम्मू डिज़र्व करता था ज़्यादा सीटें असेंबली में, लेकिन उस समय की जो हुकूमत थी उन्होंने हमसे ये हमारा जो अधिकार है उससे वंचित रखा। और आपने देखा कि पिछले दिनों जब माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह भी यहाँ पर आए, अपने ऑफिशियल दौरे पे आए, उन्होंने भी ये बात कही कि अब जम्मू खित्ते के साथ, जम्मू प्रोविंस के साथ, जम्मू रीजन के साथ अब कोई भेदभाव नहीं होगा। हमें बहुत उम्मीदें हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि जम्मू की जो सीटें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू के लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो जम्मू रीजन का कोई भी इलाका है, कोई भी पसमंदा इलाका है। और उसमें अगर हम बात करें, मेरे साथ यंगेस्ट डीडीसी काउंसलर हैं पंचैरी मोंगरी से, इंडिपेंडेंट जो कि टीम जम्मू के वॉलंटियर हैं, यशवीर सिंह जी। और इससे बड़ी क्या एग्जाम्पल हम देंगे कि पंचैरी मोंगरी भी डिज़र्व करता है एक असेंबली हलका, चाहे हम पॉपुलेशन के हिसाब से देख लीजिए, चाहे हम टोपोग्राफी के हिसाब से देखें, ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, हर लिहाज से वहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या में रहने वाले लोग, जहाँ पर अभी भी प्रॉपर सड़कें वहाँ तक जहाँ पहुँचनी चाहिए थी पिछले 70-75 सालों में नहीं पहुँच पाई हैं, हर लिहाज से हम समझते हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको इन प्रायोरिटीज़ को और जम्मू के लोगों की ये जो होप्स हैं, जो आशाएँ हैं, उस पे डिलिमिटेशन को अब बारी है कि उसको खरा उतरना चाहिए। और जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है जम्मू रीजन की, वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर देनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान यशवीर सिंह जी भी इस पर बात करें। निश्चित तौर पर आज जो है वो जम्मू कश्मीर एक नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और परिसीमन आयोग का बैठना अपने आप में, जो खास करके जम्मू कश्मीर के साथ साथ हम अगर जम्मू की बात करें, तो एक नई उम्मीद जो है वो जम्मू के लोगों के लिए लेके आया है। और हमने पहले भी पूरा विश्वास जताया है कि जो भी एक तरह से एक नई उम्मीद है कि अब न्याय होगा जम्मू के लोगों के साथ, उसके साथ साथ खास करके क्योंकि मैं पंचारी मोंगरी को रिप्रेजेंट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट जनरल काउंसिल उधमपुर में, और जो हमारा परिसीमन आयोग है उसको बताना चाहता हूँ कि जो पंचारी मोंगरी का क्षेत्र है, बड़े दूरदराज का क्षेत्र है और इससे जो सटे हुए इलाके हैं वो जो है हमेशा से जो है वो भेदभाव का शिकार रहे हैं और जिसके कारण कि वहाँ विकास नहीं हो पाया है। तो अब मुझे लगता है कि मौका है कि इन इलाकों को जो है वो जस्टिस दिया जाए और एक अलग पहाड़ी कंस्टिट्यूंसी जिसका केंद्र पंचारी मोंगरी बने, तो एक अलग पहाड़ी कंस्टिट्यूंसी जो हमारा एरिया है वो डिजर्व करता है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी पहलें की हैं, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में जो है वो टूरिस्ट विलेज का उद्घाटन, उसकी शुरुआत करना एक अच्छी पहल थी और काफ़ी प्रशंसनीय भी है। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि हम जिस तरीके से उसको ले जा सकते थे, मुझे लगता है कि हम उसको आगे नहीं ले जा पाए हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा माननीय उपराज्यपाल महोदय से कि ये उन्हीं का विजन था, उन्हीं का आइडिया था कि जो है वो टूरिज्म को गांव तक ले जाएं और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो रोजगार पैदा किया जाए, और पहल भी बेहतरीन थी। लेकिन अब कोशिश की जानी चाहिए कि जो है उसको किस तरीके से हम जो है वो आगे लेके जाएं, ताकि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने टूरिस्ट विलेज की शुरुआत की थी तो उसको हम पूरा कर सकें। तो मैं जम्मू कश्मीर सरकार से मेरी ये डिमांड रहेगी, मेरा निवेदन रहेगा
कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बाकी क्षेत्रों में जो है वो रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट बनाए गए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पंचारी के काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जो रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा सांकरी देवस्थान जो है बहुत फेमस जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पर सिर्फ पंचारी मोगरी नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर भर और देश भर से लाखों श्रद्धालु हर साल बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं और पर्यटन का भी मुख्य केंद्र है। उससे सटा हुआ जितना भी पंचारी मोगरी का एरिया है, तो मुझे लगता है कि रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इस पर जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार उसको जो है वो काम करना चाहिए। तो पिछले एक साल में पंचायती राज जो है वो संस्था का मेंबर होने के नाते लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश की है और खास करके जो बेसिक चीज़ें हैं, रोड कनेक्टिविटी है, बिजली है, पानी है, जो है कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, तो इस क्षेत्रों में हमने सुधार करने की कोशिश की है। यहाँ सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई दोहरा नहीं कि सरकार भारी निवेश करती है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस क्षेत्र में हमने कोशिश की है कि जो चीज़ बने, सिर्फ पैसा लाना नहीं है, देश का पैसा है, जनता का पैसा है, तो जो एक एक रुपया जो आ रहा है तो कोशिश की है कि उसके जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किया जाए। यहाँ हम थोड़े बहुत ट्राई अभी हम कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हमें, जिन टारगेट्स को हमने अचीव करना है, अगले 5-6 महीने में हम उन टारगेट्स को भी अचीव कर लेंगे। तो मेरे जम्मू कश्मीर सरकार से यही डिमांड रहेगी, एलजी प्रशासन से, माननीय जो एलजी साहब हैं बहुत दौड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर इतनी तेज़ी से यहाँ परिवर्तन हो रहे हैं। बट अब उम्मीद करते हैं हम कि जो है वो अब जस्टिस होगा और जो जम्मू के लोग, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग और खास करके मैं पंचारी मोंगरी की बात करूँगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जो है हमें जो है वो सरकार का जो है समर्थन मिलेगा। धन्यवाद।